Thank you.
आदित्यनाथ जी, हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी और हमारे वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, दयाशंकर सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेयर साहिबा, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित सभी नेतागण, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी महोदय, एशियस अमित मोहन जी, राम जी और उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मान भाइयों, बहनों और पत्रकार साथियों, आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, इस तरह से आपके मार्गदर्शन पर एमएसएमई सेक्टर में जो ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है, वो भी होगी काफी आप में बड़ी बारीकी से एक एक जनपद के जितने उत्पाद हैं उनके स्टॉलों का अवलोकन किया और आपके मार्गदर्शन पर जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी है, कारीगर है, उनको निरंतर सम्मानित कर उनके उत्पाद को एक नई ऊंचाइयों पर, एक नई मार्केट देने पर आपका जो मार्गदर्शन है उससे लगातार उत्तर प्रदेश के हमारे हस्तशिल्पी भाइयों का आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है और एक अच्छी मार्केट मिली है जिसका लाभ हमारे हस्तशिल्पियों को मिला और ये योजना आज पूरे देश की योजना बन गई जिसकी शुरुआत आपने यहाँ उत्तर प्रदेश से शुरू किया था ओडीओ की और पूरी पहचान देश दुनिया में हुई जो हमारे माननीय सचिन मोदी जी ने ओडीओ की के हस्तशिल्पी के जो छोटे छोटे उत्पाद थे उनको जहां पर भी जिस राष्ट्र में गए उस राष्ट्र में उन्हीं उत्पादों को देकर उनको सम्मानित करने का काम किया। इसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी और लगातार उस योजना से तमाम 18 ग्रेड के ऐसे लोगों को जो लगातार काम मिला था, प्रशिक्षण देकर के किट देना और उनको रोजगार से जोड़ना और उस योजना को भी हमारे भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना के रूप में लॉन्च किया जिसको पूरे देश में 35,000 करोड़ का बड़ा बजट दे करके इस योजना के माध्यम से भी